All it takes is a clumsy step and you end up twisting your ankle either inwards or outwards. Hi, I'm Dr. Sakina Tyagi, and today we're going to talk to you about what is ankle sprain and how you can help yourself with exercises to maintain or to minimize this condition. आपको बात बोलूँ तो हमारे एंकल के जो लिगामेंट्स है ना वो हमारे लिगामेंट्स ले लेते हैं क्योंकि वो इतने स्ट्रांग है कि वो हमारे बोन स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और इसीलिए एंकल जॉइंट के जो लिगामेंट्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं और इसकी वजह से ही एंकल फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नाउ हमारा जो टैलोफिब्युलर जॉइंट है उस पर हमारे एंटीरियर लिगामेंट्स होते हैं और पोस्टीरियर टैलोफिब्युलर लिगामेंट्स होते हैं जो आपका चलने के टाइम पे, जंपिंग के टाइम पे, रनिंग के टाइम पे सारा लोड ले लेते हैं और आपके एंकल जॉइंट को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। नाउ हैव यू एवर नोटिस्ड वन थिंग दैट व्हेनेवर यू ट्विस्ट योर एंकल ऑफ लाइक ऑफ वन साइड आइदर इट माइट बी राइट और लेफ्ट बहुत बार ऐसा होता है कि आप वही एंकल में ज्यादा इंजरी आपको होती रहती है मतलब बार बार वही एंकल ट्विस्ट हो जाता है ये क्यों होता है एक्चुअली हमारे मसल्स में एक मेमोरी होती है सो जब हम कोई मसल हमारा इंजर्ड होता है या लिगामेंट्स इंजर्ड होता है लिगामेंट्स है हमारे मसल्स उन सब में एक मेमोरी होती है एक रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके ब्रेन को कंटिन्यूस सिग्नल देते हैं कि आपका फुट का प्लेसमेंट कैसे हो रहा है तो जब हमें कोई भी इंजरी होती है लिगामेंट या मसल में तो वो जो रिसेप्टर्स होते हैं ना उनको भी हल्का डैमेज होता है और जो हमारे ब्रेन को जो सिग्नल जाता है कि हमारे फुट की प्लेसमेंट कैसे हो रही है वो पहले से थोड़ी कम हो जाती है तो वी आर गोइंग टू टॉक टुडे हाउ यू कैन हेल्प योरसेल्फ विद एंकल स्प्रेन और आप ये चीज़ को कैसे बार बार होने से अवॉइड कर सकते हो नाउ डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंजरी अगर बहुत मिनिमल इंजरी हुई है तो उसमें आपको पेन और स्वेलिंग होगा और बहुत ज़्यादा इंजरी या मे बी इट माइट बी कि लिगामेंट टेयर हुआ है तो उसकी वजह से पेन स्वेलिंग बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग में भी पेन होगा और वॉकिंग में भी बहुत ज़्यादा जो फुट है जो अफेक्टेड फुट है उससे चलने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी आ सकती है सो व्हाट शैल यू डू व्हेन यू हैव दिस कंडीशन सो ये कंडीशन में राइस प्रोटोकॉल में सबसे पहला है RICE दैट इज रेस्ट आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन नाउ रेस्ट इज डेफिनेटली नेसेसरी बिकॉज एंकल जॉइंट पे इंजरी हुई है अगर आप उस पर वेट बेयरिंग लेते ही रहोगे उस पर वजन लेते ही रहोगे तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू वर्सन द कंडीशन मोर सो यू नीड टू रेस्ट एंड देन यू हैव टू अप्लाई आइस ऑन द अफेक्टेड एरिया जहां आपको स्वेलिंग दिख रही है वहां आपको आइस अप्लाई करना है इनकेस यू कैन नॉट अवॉइड वॉकिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और लाइक आपको बहुत जल्दी चलना चालू करना है सो यू हैव टू गो फॉर अ क्रेप बैंडेज जो आपको अपने एंकल जॉइंट पे पूरी तरह से बांधना है सेकेंडली व्हेन यू नीड टू बिकॉज स्वेलिंग है तो हमें एलिवेशन चाहिए तो आप दो पिलो या वन पिलो ले सकते हैं अपने पैर को इस पोजिशन में आपको रखना होगा So this is basically the RICE protocol. Now we will be moving on towards what kind of exercises you can do for this condition. So for the exercises, first we have to go for stretching exercises. आप एक resistant band भी ले सकते हैं, which is very much easily available in any kind of sports shop और आप Amazon से भी buy कर सकते हो. या तो फिर अभी आपके पास घर में ना हो, तो you can take a dupatta also. What you have to do is, जो ankle आपका affected है उस एंकल के आपके फुट के साइड पे ये बैंड को या दुपट्टे को रखना है एंड यू हैव टू जस्ट पुल इट इनवर्ड्स आपको इनवर्ड्स पुल करना है सो यू गेट अ माइल्ड स्ट्रेच ऑन योर बैक ऑफ योर लेग ऐसे पुल कर आप बिना कोई काइंड ऑफ वेट्स या रेजिस्टेंट बैंड से भी एक्सरसाइज आपको चालू करनी है यू हैव टू मेक श्योर यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पेन यू हैव टू गो फॉर एंकल एक्सरसाइजेस यू हैव टू टेक योर एंकल इन एंड आउट यू हैव टू रोटेट योर एंकल क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज. देन जैसे जैसे आपकी कंडीशन बेटर होती है देन यू हैव टू गो फॉर रेजिस्टेंस बैंड. और रेजिस्टेंस बैंड के तरफ आपको ऐसे अपने फुट के पीछे लगाना है. यू हैव टू मेक श्योर कि आप रेजिस्टेंस बैंड को अपने तरफ खींचेंगे और एंकल को दूसरी तरफ खींचना है. यू हैव टू टेक योर एंकल आउट दिस विल बी और आपको बैंड को आगे की तरफ अपने तरफ खींचना है. सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वी हैव टू टेक अवर एंकल इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. इनिशियली आप ये बिना कोई काइंड ऑफ रेजिस्टेंस बैंड के कर सकते हैं इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. आप कोई ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो यहाँ ताकि आप उसको टच कर सको इनवर्ड्स और फिर दूसरी साइड रख सकते हो जिसमें बाहर की साइड पे आपको टच करना है. देन व्हेन यू हैव टू यूज अ रेजिस्टेंस बैंड आप अपना दूसरा लेग एक एंकर की तरह यूज कर सकते हैं. उसके पीछे ये डाल के ट्विस्ट करके दूसरे पैर को ऐसे लेना है एंड देन यहां से रेजिस्टेंस अंदर की साइड पे खींचना है एंड यू हैव टू टेक योर फुट आउटवर्ड्स. स्टैंडिंग में भी हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं. सो यू हैव टू टेक योर अनअफेक्टेड लेग जो आपको प्रॉब्लमेटिक लेग नहीं है या फुट नहीं है उसको आगे लेना है. टेक अ सपोर्ट एंड देन जस्ट मूव अहेड लाइक दिस. यहां आपको स्ट्रेच फील होगा. दूसरी एक्सरसाइजेस है सपोर्ट को लेके ही यू हैव टू कम ऑन योर टोज एंड गो बैक. देयर यू हैव आपको अपना सपोर्ट पकड़ के वन लेग स्टैंडिंग करना है एंड जस्ट मेंटेन इट फॉर फ्यू सेकेंड्स और अ मिनट. देयर जब आपका पेन बेटर हो जाए और हम ज्यादा स्ट्रेंथनिंग पे जा सकते हैं सो जो अफेक्टेड लेग है एक सपोर्ट लेना है उसको टोस पे आके यू हैव टू गो फॉर स्क्वाट्स. दैट्स इट. सो दीज आर सम ऑफ द एक्सरसाइजेस एंड स्ट्रेचिंग एंड आई होप इट विल हेल्प यू. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज रिगार्डिंग एंकल स्प्रेन प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू योर फिजियो. थैंक यू.